बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं लटेश्वर महादेव मंदिर, जो बड़ापे में स्थित है। ये मेरे नानू हैं, ये मेरी नानी, नानी ने मेरी छोटी बहन को पकड़ा है। ये मेरे पापा हैं जो गाड़ी चला रहे हैं अभी। ये मेरी मम्मा है, मम्मी ने मेरे छोटे भाई को पकड़ा है। अब मैं आपको थोड़ा बाहर का व्यू दिखाता हूँ। देखिए इतनी सारी हरियाली है और नीचे इतनी सारी ढलान है कि अगर मैं वहाँ से गिर गया तो फिर मैं किसी को नहीं मिलूँगा, मैं गायब हो जाऊँगा। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको चींची की आवाज़ आ रही है। हम लोगों, ये रोड थोड़ी सी ख़राब है पर अच्छी है। हमें बीच में एक मैराथन रेस दिखी थी जहाँ पे सभी लोग तेज तेज दौड़ रहे थे। देखने में तो मुझे मजा आया। मैं सबको ऐसे हेलो 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 कर रहा था, मजा आ गया। पता नहीं 200 तक थे टोटल। तो अभी हम लोग गाड़ी में बैठ गए। अब हम लोग गाड़ी के अंदर बैठ गए। लोग अब शिफ्ट आ जाओ दादी, आ जाओ। इसको व्लॉगिंग मैंने पसंद नहीं लगता है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरे पास ही आती रहती है हमेशा। आपको लग रहा है मैं गाड़ी के बाहर हूँ, मैं तो अंदर ही हूँ, मतलब मैं सिर्फ शीशे से बाहर आपको अच्छे से दिखा रहा हूँ। अब हम लोग आगे की सफर जारी रखते गाइस। अभी हम लोग पहुंच गए हैं। हम लोग मतलब पूरा 20 किलोमीटर या फिर 10 जितना भी होगा किलोमीटर पहुंच गए हैं। अब मुझे थोड़ी सी पैदल चलना, थोड़ा सा ज़्यादा सा एक शॉर्टकट है, लॉन्ग कट है। आपको मंदिर दिखा देता हूँ, वहाँ पे मंदिर है, वो मंदिर हमें वहाँ पे जाना। मतलब मैं तो अपने सारे कपड़े ला रखा हूँ, मैं वहाँ नहाऊंगा, ठंडा पानी आते हैं। आप लोग भी आ सकते हैं, बड़ा भी में स्थित है। अब हेलो कर दो वहाँ, देखो वहाँ पे हेलो कर दो उन लोगों को, वहाँ तो देखो हेलो। मैं छोटा भाई ने बहुत कुछ सीख लिया अभी तक। अब हम मंदिर को जाना है तो चलिए सीढ़ियों को पार करके जाते हैं हम लोग। ब्लॉक कर दी नाना गाड़ी, सब लोगों को तो बहुत खुशी हो रही है पहुंच के। जैसे हमारे धूप ने हमारा स्वागत कर दिया, इतना गरम गरम कड़क स्वागत कर दिया, कड़क। यहाँ पे इतने ढलान में आपको जंप करके डाले गिरने वाला था। आओ देखो जंप ऐसे कर, जंप हाथ में बोले ढलान बोलते चलो चलो गोदी में लेके चलेंगे क्योंकि गिर जाएगा ना। बाय कर दो, बाय बाय। हम लोग मंदिर की ओर जा रहे हैं। ये अभी यहाँ से चलते हुए थे, हमें एक बंदा देखा, हम तो इतना बैग लेते, मैं तो रह गया भाई बंदा बैग लेके। और यहाँ पे चप्पल उतारेंगे ना भाई, इतना ठंडा हो रहा है, कोई सॉक्स लाना, बहुत ठंडा हो रहा है। तो हम लोग, ये मंदिर का द्वार पीछे था, यहाँ पे ये मेन मंदिर का द्वार है। यहाँ पे भी बहुत सारी घंटियाँ लगी हैं। घंटा का भी हमने देख,
ये मंदिर का मेन धारा है। हम लोग नहाने की पूरी व्यवस्था से आए थे, पर जब हमने इसको छू के देखा तो ये बर्फ जैसा इतना ठंडा पानी आ रहा था, तो हमने सिर्फ हाथ पैर और मुंह धोए और मंदिर में पूजा करने के लिए चले गए। सच में यहाँ का पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा, अगर मैं यहाँ नहाता तो मैं तो पक्का जम जाता। अब हम लोग मंदिर के अंदर चलते हैं। अब मैं आपको एक कुंड दिखाऊंगा जहाँ का पानी पीने से गले संबंधित बीमारियाँ ठीक होती हैं। जो बच्चे बोल नहीं पाते या हकलाते हैं वो ये पानी पीने से जल्दी बोलने लग जाते हैं, ऐसा यहाँ के पंडित जी ने बताया। गाइस अब हम लोग पूजा करके आ चुके हैं। हम लोगों की अच्छी से पूजा हुई क्योंकि हमें पंडित जी मिल गए तो उन्हें अच्छी से पूजा करा दी। अब हम लोग घर को जा रहे हैं अपनी कार पर बैठ के। गाइस जो स्टार्टिंग में आपको मेन गेट दिखा रहा था उसका मैं सीन भूल गया, तो ये है उसका मेन गेट। मेन गेट में सबसे बड़ी घंटी रहती है, बाकी मैं तो छोटी छोटी। यहाँ पे देखिए सो गाइस आप मेरे पापा और मेरे छोटे भाई को देख सकते हैं कछुए की चाल चलने। मैं व्लॉगिंग में बिजी हूँ और मेरे पापा बॉम बिजी हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।